पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत में कोई मसला हो और पाकिस्तान ना कूदे, ये कैसे हो सकता है? भारत के किसी भी अंदरूनी मामले में पाकिस्तान हुक्मरान और पाक सेना बेमतलब का बयान दे देती है और सेखी बघारती है, लेकिन भारत की तरफ से उसका करारा जवाब उसे हमेशा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, पाकिस्तान के नेता कभी ये मानते ही नहीं हैं। भारत के हर मसले पर ट्विटर, फेसबुक या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बोलते ही रहते हैं। अब ताजा मामले में जहां भारत में कुछ लड़कियों ने हिजाब को लेकर आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन उन्हें कैंपस और क्लास में जाने से रोक रहा है। जानकारी देते चलें कि हिजाब को लेकर प्रदर्शन पिछले महीने से ही चल रहा है। कॉलेज की छह छात्राओं ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनने के चलते उन्हें क्लास में एंट्री देने से मना कर दिया गया। लेकिन मंगलवार को यह मामला तब उछला जब एक लड़की को लड़कों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए घेर लिया। फिर क्या था, लड़की ने भी लड़कों का मुकाबला करते हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर दिया। बस इसी बात से पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत में मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है और मुसलमान पीड़ित हैं। इसी को आधार बनाकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, नोबेल प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई, सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने भारत पर हमला बोला है और भारत की आलोचना की है। लेकिन आप तो जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को सबक हमेशा से सिखाता आ रहा है और सिखाता रहेगा, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तानी करते हैं और खत्म भारत करता है। फिर क्या था, भारत के एक दिलेर राजनेता और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे पाकिस्तानी नेताओं पर जोरदार हमला किया और एक भारतीय शेर अकेला पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गया। आप ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने इमरान खान को करारा जवाब दिया है। वहां पर पढ़ना पड़ा, पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको, तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तो सुना आपने, एक अकेला पूरे पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ा और कैसे इमरान खान और उनके मंत्रिमंडल के नेताओं की धज्जियां उड़ा दी। जानकारी देते चलें कि जो कर्नाटक में घटना घटी है उसके लेकर ओवैसी बीजेपी और कर्नाटक सरकार पर लगातार हमलावर हैं और इसको लेकर उन्होंने घटना के दिन ट्वीट करते हुए लिखा था कि मांड्या PES कॉलेज कर्नाटक की वह बहादुर हिजाबी लड़की बीबी मुस्कान जिसने हिंदुत्व शर पसंदों का डटकर मुकाबला किया। मैंने मुस्कान और उनके वालिद साहब से बात की और मुस्कान की हिम्मत और जसारत की दाद दी, हौसला अफजाई किया और कहा मुस्कान की बेबाकी को देखकर हमें भी हौसला मिला। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी लगा के जा सकता है तो हमारी बेटियां हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा सकती। अच्छा, अभी आप देखेंगे शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई, मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब। आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग। कुट्टू स्वामी का जजमेंट है, कुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुरका निकाब पहनती है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती।
और आप कहते हैं कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाहते ना। तो आप समझ चुके होंगे कि विरोध का हक हम किसी तीसरे को कभी नहीं दे सकते हैं। मामला हमारा है और इसको हम ही निपटाएंगे। किसी तीसरे देश की सलाह, मदद और वकालत की जरूरत हमें नहीं है। और ये बात इमरान खान और पाकिस्तान को भी जल्दी समझ लेनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह का करारा जवाब उन्हें लगातार मिलता रहेगा। हम एक बार फिर से ओवैसी का वो आपको बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान को करारा जवाब दिया है। वहां पर पढ़ना पड़ा पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक।